सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं गाइस। और आज मैं आ चुका हूं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है हमारे इंडिया, हमारे उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होता है और ये जाएगा हरियाणा के रेवाड़ी में। और आपको बता दूँ, डबल डेकल मालगाड़ी के लिए ये ट्रैक बिछाया गया है और बहुत तेज़ी के साथ में इस पर वर्क किया गया है। और यहाँ पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आपको बता दूँ, देखिए ये लाइन बिछा दी गई है, बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी है। और आपको बता दूँ, इन खम्भों पर, बिजली के खम्भों पर देख सकते हैं, ओवर हेड इक्विपमेंट लगा दिया गया है और जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन लगाई जानी है बाकी रह गई है। तो इस पर बिल्कुल ऐसे समझो कि काम कंप्लीट सा ही है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और आपको बता दूं कि मेरे दोनों साइडों में ये बाग हैं हरे भरे, देखिए ग्रीन ही ग्रीन चमक रहे हैं। ये बाग हैं आम के, इधर भी बाग है और इस साइड भी बाग है, देख सकते हैं दोनों साइड में। और दूसरी बात ये है गाइस, सबसे सुंदर नज़ारा तो ये है यहाँ का कि यहाँ पर देखिए, एक तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कनेक्ट करेगा ये हमारे इंडिया का जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो पहली बार भारत में बनाया जा रहा है, जो मेड इन इंडिया लैश है। तो देख सकते हैं कि एक तरफ इंडियन रेलवे की मालगाड़ी दौड़ेगी और दूसरी तरफ रैपिड रेल दौड़ेगी, देख सकते हैं नज़ारे आप लोग। और ये नज़ारे देख के भाई साहब दिल बाग बाग हो जाता है। हमारे इंडिया में देखो कितनी तेज़ी के साथ में विस्तार किया जा रहा है, हमारा भारत किस तरीके से सुधारा जा रहा है, किस तरीके से नई नई तकनीकें लगाई जा रही हैं, लाई जा रही हैं, देख सकते हैं कि दोनों चीज़ एक दूसरे को कनेक्ट करेगा। इधर रैपिड रेल जाएगी जो कि हमारे दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होगी और ये मेरठ के बेगम पुल पर जाके ख़त्म हो जाएगी गाइस। तो आपको बता दूँ कि जो ये रैपिड रेल है, इसका 82 किलोमीटर का रूट बनाया जा रहा है और ये दौड़ेगी 180 किलोमीटर की रफ्तार से, देख सकते हैं। तो इसीलिए इन पिलरों की हाइट भी आप देख सकते हैं कितनी ऊंची है। और ये देख सकते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो ये ब्रिज है गाइस, और आप लोग देख सकते हैं तस्वीरें। और नीचे से ये दौड़ेगी डबल डेकल मालगाड़ी जो कि सिंगल रूट है। और आपको बता दूँ कि रेवाड़ी से लेकर आएगा और ये दादरी में जाकर उतार दिया जाएगा, या इसका हमारे दादरी से लेकर आएगा मालगाड़ी जो आएगी डबल डेकर और ये रेवाड़ी में जाकर ख़त्म हो जाएगी। तो आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्र के महात्मा गांधी पोर्ट पर जाकर ये निकलेगा, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। पहले ये रेवाड़ी तक तो कंप्लीट हो चुका है, रेवाड़ी से दादरी के बीच में ये रूट बिछाया गया है, तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। और मैं अभी आगे चल के दिखाता हूँ आपको कि ये लाइन NH58 को क्रॉस करता हुआ निकल रहा है गाइस। और NH58 पर ही ये दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर आ रहा है गाइस, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, नज़ारे यहाँ के कितने खूबसूरत हैं। और नीचे ये NH58 गुजरता हुआ जा रहा है, तो सीन कुछ ऐसा है, आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं गाइस। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो हमारे वीडियोस को, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करो गाइस। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, ये नज़ारे हैं यहाँ के, ये देख सकते हैं आप लोग। दूर दूर तक आपको सिर्फ पिलर ही पिलर नज़र आएंगे जो कि दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसके। तो अभी आपको बता दूं कि लॉन्चर लगा हुआ है पीछे, यानी कि मोदी नगर में, और वहां से ये लाता हुआ जा रहा है मेरठ के लिए गाइस। तो देख सकते हैं, एक वो है इंडियन रेलवे का, नीचे से इंडियन रेलवे गुजर रही है जो कि जाती है ये आपकी काठमांडू के लिए गाइस, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स केपी संत अपने चैनल पर लाता रहता है और नई नई इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता रहता है हर जगह की गाइस। तो आज हम चलने वाले हैं मेरठ, और मेरठ आप लोगों को दिखाएंगे कि इस RRTS कॉरिडोर पर कितना कुछ काम हो चुका है, वही आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और उससे पहले आ जाता मोदी नगर और मेरठ के बीच में ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है हमारे भारत में पहली बार गाइस।
और इस पर 100 की स्पीड से डबल डेकल मालगाड़ी गुजरेगी गाइस। और जब गुजरेगी तब नज़ारा क्या होगा देख सकते हैं, एक तरफ ये गुजरेगी रैपिड रेल, दूसरी तरफ गुजरेगी इंडियन रेलवे की डबल डेकल मालगाड़ी। तो नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर आने वाले टाइम में दिखेगा गाइस। और देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन आप लोगों को नज़र आएगा, क्यों यहाँ पर आम के बाग ही बाग हैं। देख सकते हैं चारों तरफ आप लोग जिधर नज़र उठाकर देखेंगे उधर ही आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आएगा गाइस। तो देख सकते हैं इन्होंने कुछ इस तरीके से ये जाली लगाई हुई है ताकि ये पत्थर खिंचके ना बारिश में, इसलिए इन्होंने ये जाली लगा दी गई है। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर गाइस, और मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा आपको ये रेवाड़ी का, क्या वहाँ पर कितना कुछ काम हो चुका है, वहाँ पर क्या है, किस तरीके का है, क्या लाइन बिछाई जा रही है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये हमारे मिस्त्री जी ये स्टेयर बना रहे हैं सीढ़ियाँ उतरने के लिए, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो इतनी धूप में ये वर्क करते हुए, और वो देखिए वहाँ से लेके आ रहे हैं इसका जो मसाला है गाइस, ये देख सकते इस तरीके से इन पर बस प्लस्तर किया जा रहा है स्टेयर्स पर। तो ये भी बहुत अच्छा है कि चढ़ने उतरने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देख सकते हैं, तो चलिए गाइस बस वीडियो को एंड करते हैं। और अब मेरे चैनल को आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया तो कर देना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखते रहो केपी संत के चैनल पर, कंटिन्यू मिलते रहेंगे आप लोगों को अपडेट गाइस। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।